तो सब दोस्तों ये देखिए, आज जो है हम लोग ये सीलिंग फैन का जो कनेक्शन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हम लोग जो है कैपेसिटर जब बदलते हैं, हम लोग कनेक्शन जो है यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बंदे ने जो है कैपेसिटर को चेंज किया और कनेक्शन देखिए यहाँ पे जो है सही कनेक्शन यहाँ पे नहीं किया, और जिस वजह से फैन जो है कैपेसिटर बदलने के बाद जो है चल नहीं रहा है। तो देखिए, कैपेसिटर को टच करने से पहले थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन को शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्टोर रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए, कंटिन्यूटी भी बिल्कुल बता रहा है देखिए, और फैन भी बिल्कुल सही है, बॉडी भी नहीं है। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि देखिए, बंदे ने नया कैपेसिटर चेंज किया, उसके बाद कनेक्शन जो है उसको समझ में नहीं आया, और कनेक्शन जो है इन्होंने उल्टा पुल्टा लगा दिया, जिस वजह से पंखा जो है घूम नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये येलो और जो ब्लू है ये हमेशा कैपेसिटर का कनेक्शन होगा, और कोई भी सीलिंग फैन में एक रेड कलर का वायर होगा, और ये रेड कलर का वायर जो है कॉमन कनेक्शन है। यहाँ पे कोई भी आपका कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ डायरेक्ट लाइन के लिए होगा, जो कि फेस या न्यूट्रल दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये रेड कलर का वायर को मैंने छोड़ दिया है, और ये देखिए ब्लू और येलो को लगाया है। तो जैसे ही यहाँ पर सप्लाई दिया, देखिए पंखा जो है चलने लगा है। तो ये देखिए, जब आप कैपेसिटर को चेंज करने लगेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, जो रेड कलर का कॉमन वायर रहता है ऊपर में लगा रहता है, जिसके साथ कोई भी कैपेसिटर का कनेक्शन जो है वायर जो है अटैच नहीं रहता है, उसको कभी भी मत खोलिएगा। उसको ये देखिए, ये ऊपर में है, तो इसको जहाँ पे है वहीं पे रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो कैपेसिटर का जो दो वायर है इसी को ही जो है खोल करके कैपेसिटर को जो है यहीं पर जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और भी दिक्कत क्या आता है, हम लोग जोड़ने के बाद जो है कनेक्शन, ये कैपेसिटर का कनेक्शन में से कोई भी वायर जो है यहाँ नीचे में लगा देता है, और हम लोग जो है इसको चलाने लगते हैं तो पंखा जो है कभी कभी जो है उल्टा घूमने लगता है। तो ज़्यादातर लोगों को जो है ये पता नहीं रहता है, उनको लगता है पंखा चल रहा है लेकिन नीचे कोई भी हवा नहीं आता है। तो इसमें भी देखिए एक चीज़ आपको करना है यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है सही कर दिया है। ये जो कनेक्शन येलो कलर का मैंने नीचे लगाया है, इसमें लगाने के बाद अगर उल्टा अगर आपका पंखा चल रहा है तो आपको क्या करना है, ये येलो कलर का जो कनेक्शन है इसको निकाल देना है, और ये ब्लू कलर का जो कनेक्शन जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है इसको ये येलो कलर का जगह में लगा देना है, तो आपका पंखा जो है सही दिशा में चलने लगेगा। तो पंखा किस दिशा में घूमने लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घूमता है जो भी मोटर होता है। तो ये इसका सही डायरेक्शन ये है, देखिए इस तरफ में हमेशा पंखा जो है घूमना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है समझ में आया होगा, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी भी कैपेसिटर आप खुद से जो है अगर चेंज कर रहे हैं तो कभी भी जो है, जैसे मैंने बताया, जो कैपेसिटर का कनेक्शन है उसी को आप जो है खोलिए, और जो ऊपर का जो कनेक्शन है उसको मत खोलिए, उसको छेड़ना भी नहीं है, उसको जहाँ पे है वहीं पर रहने दीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हो आप, इसको जब आप नया कैपेसिटर लगाएंगे खुद से अगर लगाने जा रहे हो, तो लगाने से पहले जो कनेक्शन से यहाँ पे जो बन रहा है, तो कनेक्शन का आप एक जो है अपने मोबाइल में जो है फ़ोटो लेकर के रख लीजिए, ताकि जब आप इसको कनेक्शन करेंगे तो आपको जो है बहुत ही आसानी से पता चल सके कि येलो कलर नीचे है या तो ब्लू कलर नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए रेड येलो ब्लू है, तो सभी फैनों में इस तरह से रहता है, तो सभी फैनों में इस तरह से नहीं होगा। रेड कलर आपका सभी फैन में होगा, लेकिन येलो और जो ब्लू यहाँ पे लगा हुआ है, कोई कोई में वाइट होगा, ग्रीन होगा, कोई कोई में येलो होगा, ब्लैक होगा, तो अलग अलग कलर का रहता है। तो जो भी है, जो भी कलर होने दीजिए, कोई बात नहीं है, आपका सभी फैनों में जो है एक रेड कलर हमेशा होगा, और ये रेड कलर जो है आपका कॉमन कनेक्शन होगा, जो कि आपका फेस या न्यूट्रल जो है दोनों में से कोई भी कनेक्शन जो है आप सप्लाई यहाँ पे दे सकते हो, जो कि सबसे ऊपर में जो है इसका कनेक्शन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के